टीम संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट फेसबुक ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। देखिए, जिस तरीके से आपसे वादा किया था कि आपसे होगी मुलाकात फिर से इस कार्यक्रम में, रोजाना हम हाजिर होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको ज्ञान से परिपूर्ण बातें बताने के लिए। आज भी हमारा कुछ यही प्रयास रहेगा, तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, द फेमस पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जिस तरीके से हमने वादा किया था हमारे दर्शकों को कि आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और उनको बताएंगे कि व्यक्ति का आखिर तलाक क्यों हो जाता है, क्यों नौबत लड़ाई झगड़ों पे आगे बढ़ बढ़ के डाइवोर्स तक आ जाती है, जवाब इसका आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर है, काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कंचन जी जुड़ी हैं हमारे साथ देहरादून से। स्वागत है आपका कंचन जी कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल, दो सवाल है मेरे जी। एक तो मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा जी, और दूसरा मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर कब होगा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपके बेटे का नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। और अभी बच्चा क्या कर रहा है आपका? गुरु जी वो बीटेक कर रहा है, इस साल उसका फोर्थ ईयर है। अच्छा, बीटेक में उसके पास ट्रेड कौन सी है जी? वो मैकेनिकल से कर रहा है, ऑटोमोबाइल्स से कर रहा है, किससे कर रहा है? कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से कर रहा है जी। चलिएगा, बिल्कुल बताते हैं आपके दोनों सवालों का जवाब जी। चलिएगा, खैर कंप्यूटर का तो युग है ही है। आपका बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं कि हमने आंखें बंद कर ली और बता दिया, प्रश्न शास्त्र हमारे सामने बना होता है, आपकी आवाज़ सुन करके हम आपके सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। आपके बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य जाएगा। और रही बात आपके हस्बैंड के ट्रांसफ़र की या अच्छे योग की, उसके लिए हम आपको कुछ आवश्यक उपाय बताते हैं। छोटे छोटे उपाय दर्शकों, हम अक्सर आप लोगों को बताया करते हैं। क्या कीजिएगा, प्रतिदिन एक बार मन लगा करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करें। बड़ी बड़ी कामनाओं को पूर्ण करने वाला गजेंद्र मोक्ष कहलाता है। आपको गजेंद्र मोक्ष की किताब 2-4 रुपये में बाज़ार से मिल जाएगी। इतना पैसा तो व्यक्ति खर्च देखो कर ही लेता, तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ा करें, आपकी कार्य सिद्धि मिलेगी। और दूसरी बात, मंगलवार के दिन ही थोड़ा सा गुड़ गौ माता को या बैल को आप ज़रूर खिलाया करें, अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, आज हम सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, प्रतिदिन हमारा कोई ना कोई नया सब्जेक्ट होता है, कि व्यक्ति का तलाक क्यों होता है और व्यक्ति का संधि विच्छेद क्यों हो जाता है। एक विवाह होता है, जीवन में बहुत सुंदर तरीके से 10 मेहमान इकट्ठे होते हैं, पंडाल सजता है, खूब बारात फबती है, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्यों एक छत के नीचे दो पार्टनर अच्छे से नहीं रह पाते। क्या कारण है? सबसे पहला कारण, अच्छे से दोनों की कुंडली मिलाई जानी चाहिए। अगर कुंडली जरा सी भी ना मिले, डिफरेंसेस पैदा होते हैं, तब भी ये तलाक की नौबत आ जाती है। अब आप कहें साहब कुंडली हर व्यक्ति के पास नहीं होती, तो हाथ की रेखाएं दिखाई जानी चाहिए कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं। अगर हाथ की रेखाएं भी आप अच्छे से पढ़ाते हैं दिखाते हैं, तो भी ये नौबत नहीं आती। और दूसरी बात, अक्सर लव मैरिज हो जाती है, बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, तो लव मैरिज के लिए भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माता पिता की आज्ञा परम आवश्यक है। भाई, जो माँ हमें बड़ा करती है, जो पिता हमारे हर सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, सुख दुख का हर चीज़ का ख्याल हमारे माता पिता रखते हैं, तो कई बार हम उनकी आज्ञा नहीं लेते, तो वहाँ पर भी देखो मन तो अंदर से दुखता ही दुखता है, वहाँ पर भी आपके संग ऐसी नौबत आ जाती है। इसीलिए सबकी आज्ञा लेनी चाहिए, सबका परामर्श लेना चाहिए, तब हमें ख़ास तौर से इस प्रकार की चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति का तलाक क्यों हो जाता, बहुत सारी सावधानियों के रखने के बावजूद भी आप तलाक की कगार पर क्यों पहुंच जाते हैं, आइए बताते हैं। आपकी हथेली में विद्यमान आपके लिटिल फिंगर के नीचे, यहाँ दर्शकों होती है आपकी मैरिज लाइन। किसी व्यक्ति की हथेली में एकल मैरिज लाइन, किसी व्यक्ति की हथेली में दो दो मैरिज लाइन, किसी व्यक्ति की हथेली में 3-3 मैरिज लाइन होती हैं।
और दूसरे हाथ में भी आपकी हथेली में मैरिज लाइन होती है। अगर आपकी मैरिज लाइन पर बैलून जैसी आकृति बनी है, यस हमने बताया था पहले भी, आयरलैंड दीप जैसी आकृति यदि किसी महिला के या पुरुष के आकृति बन जाए आपकी मैरिज लाइन पर, आपके विवाह को 100% खंडन करने की क्षमता ये योग रखता। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति की मैरिज लाइन अगर दो जीवियों जैसी सांप की जीव होती है, आगे से दो होती है ना सांप की, तो आपकी यदि मैरिज लाइन आगे से दो जीवी है तो ये भी कठिनतम योगों को पैदा करने वाली रेखा मानी जाती है। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में भी होती हैं कि जिसकी वजह से हमारा विवाह टूट जाता। हंसती खेलती जिंदगियां कई बार तो तबाह होती हमने देखी हैं। आपकी हथेली के चंद्रमा, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन के सूचक होते हैं, चंद्रमा मन सो जायत। जो व्यक्ति के चंद्रमा जितने कमजोर होंगे और चंद्रमा के साथ साथ उस व्यक्ति के सूर्य, चंद्र और सूर्य अगर दोनों आपकी हथेली में अत्यधिक कमजोर हैं तो आपकी सूझबूझ विफल हो जाएगी। कई बार अगर एक आप पति को ज़्यादा गुस्सा आता है, पत्नी को शांत रहना चाहिए, ये बातें बताने की नहीं है, आप सबको मालूम है, लेकिन अगर चंद्रमा का और सूर्य का यही मेल गड़बड़ होगा, आप अपनी सूझबूझ को खो देंगे। आप अपनी कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की आत्मा की आवाज़ है आप उसको सुन नहीं पाएंगे, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। कई बार कुछ लोगों का चंद्रमा ऐसा होता है, इतने इगोइस्टिक वो व्यक्ति होते हैं कि वो ईगो पति पत्नी के बीच में भी आ जाती है। आप बात नहीं करेंगे, हम भी बात नहीं करेंगे, आप फ़ोन नहीं करेंगे, हम भी फ़ोन नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके दरमियान पैदा होते होते एक बड़ी खाई बन जाती है, एक बड़ा रास्ता बन जाता है, जैसे मित्रों नदी के दो किनारे कभी आपस में नहीं मिल पाते हैं। वो स्थिति भी आपके चंद्रमा आपके अंदर इतनी ईगो भर देते हैं, उसकी वजह से भी आपके संग ऐसा होता है। दूसरी बात, जिन प्राणियों की खास तौर से हथेली के मध्य में विखंडित, अगर आपकी हथेली में देखा होगा, बहुत लोगों की हथेली में क्या होता है, हथेली में होती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसका नाम ही हो भाग्य रेखा, जिसका नाम हो फेट लाइन। यदि आपकी हथेली की फेट लाइन क्रैक होती है, कई स्थानों पर यह क्रैक होती है, और जिस एज में जाकर के आपकी ये रेखा क्रैक होती है, बाय द वे 32 साल में क्रैक हो रही है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा, तो देखो भाई ये एक सब्जेक्ट है, इसको आप लोग नहीं जान सकते, हम आपको समझा रहे हैं। अगर 32 साल की अवस्था में आपकी रेखा क्रैक होती है, 28 साल की अवस्था में रेखा क्रैक होती है, 26 साल की आयु में, 24 साल की आयु में, 22 इयर्स की आयु में आपकी रेखा क्रैक होती है, और उस वक्त ही आपका विवाह होता है, तो विवाह भी कहीं ना कहीं विवादित हो सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा रिश्ते होते हैं और बार बार वो रिश्ते टिक नहीं पाते, बार बार वो रिश्ते टूट जाते हैं, उसका कारण भी आपकी हथेली में ऐसे चिन्ह होते हैं। तभी तो बार बार आपसे हम कहते हैं कि यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं, कुछ नहीं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपना किसी भी पामिस्ट को, लेकिन पामिस्ट को अच्छे से हाथ देखना आता हो, अपने सब्जेक्ट के वो ज्ञानी हों, किसी भी पामिस्ट को अपना हाथ दिखा करके जान सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्यों आपकी शादी नहीं चल पा रही है, क्यों पति पत्नी के बीच में मुटाव आ रहा है, क्यों आपके घर में इस प्रकार का क्लेश उत्पन्न होता जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आज दर्शकों हम कुछ आपको उपाय भी बताने का प्रयास करेंगे और आपकी जन्म पत्रिका से भी बताएंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर भी आपकी शादी टूटने के कगार पर आ जाती है या व्यक्ति का तलाक हो जाता है। बिल्कुल दर्शकों, ये सारी बातें आज हम शर्मा जी से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम पूरे अंत तक देखते रहिएगा और आपको उपाय भी आज बताए जाएंगे। कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठेगा और कोशिश कीजिए जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्ञान से वो परिपूर्ण बातें जानने को मिलती हैं जिनको जानने के बाद आप अपनी लाइफ में कई प्रकार के पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखिए और हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए। शर्मा जी, बहुत सारी बातें आपसे और जानेंगे, पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जयश्री है हमारे साथ महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका जयश्री जी कार्यक्रम में। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बेटा, क्या सवाल पूछेंगी? क्या मुझे सवाल? मेरे दो भाई है, दोनों भी मुझसे बड़े हैं, बड़े भैया की शादी हो गई है, तो उसकी लाइफ कैसे रहेंगी, और जो दो नंबर के भैया है उनकी शादी कब होंगी और उनकी लाइफ कैसे रहेंगी? बिल्कुल बताते हैं।
आपके देखो बड़े भैया अच्छे रहेंगे जीवन में, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और आपके छोटे ब्रदर का जो विवाह होगा वो तकरीबन 7.5 महीने के बाद होगा, क्योंकि जैसे आज का प्रश्न शास्त्र हम देख रहे हैं तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से 7.5 महीने के बाद आपके ब्रदर की शादी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा उपाय करा दें, अगर आपके ब्रदर हर बृहस्पतिवार के दिन या 11th हर्सडे 11 बृहस्पतिवार पीले रंग की कोई भी मिठाई बच्चों में कहीं पर भी बांट दें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन शादी के बाद वो रिश्ता मधुरता के साथ रहना, उस रिश्ते में मधुरता आना, ये बड़ी बात होती है। इसलिए जब भी आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं, हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, तो ये पहले जानना ज़रूरी होता है कि भाई शादी तो हो जाएगी, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी। जी बिल्कुल दर्शकों, हस्त रेखाएं बहुत महत्वता रखती हैं आपके जीवन में, आपकी हथेली की एक एक हस्त रेखा बहुत कुछ कहती है। तो अगर आप भी अपनी हस्त रेखाओं के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, वो सारी बातें जानना चाहते हैं जिनको जानने के बाद अपनी लाइफ को आप और भी ज़्यादा बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं, परेशानियों से निजात पा सकते हैं, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, शर्मा जी को अपनी हस्त रेखाएं दिखा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, 10 से शाम 6 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कार्यक्रम से जुड़े रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और योग और उपाय आपको बताए जाएंगे ताकि जो बनते बिगड़ते रिश्ते हैं पति पत्नी के, उनमें सुधार आ जाए। शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका की रचना वैदिक सिद्धांतों व सौर मंडल में उपस्थित तारा समूह, नक्षत्रों व सूर्य आदि नवग्रहों की सही स्थिति को देखते हुए शुद्ध गणित के आधार पर की गई है। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ने अपने 25 वर्षों के अनुभव व अनेकों गुप्त विद्याओं द्वारा कुंडली में पीड़ा उत्पन्न कर रहे योगों का समाधान बड़े ही सरल तरीके से बताया है। वैदिक जन्म पत्रिका में प्रत्येक जातक की जन्म पत्रिका का गणित बहुत ही शुद्ध व सटीक तरीके से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली तैयार हो जाने के बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे स्वयं फोन पर बात करते हैं और आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श कर आपको देते हैं हर समस्या का अचूक व बेहतर उपाय। आप अपनी कुंडली से स्वयं क्या क्या जान सकते हैं, आइए बताते हैं। मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, कालसर्प दोष, पितृ एवं प्रेत दोष और साथ ही उनके उपाय। इतना ही नहीं, इसमें जाने योगिनी दशा पर विचार, शनि की ढैया व साढ़े साथी पर विचार, भाग्य रत्न व कौन सा पहने पूर्ण विधि के साथ रुद्राक्ष, सभी ग्रहों के मंत्र व दान पर विचार, न्यूमरोलॉजी व भाग्यांक पर विचार, साथ ही दिया जाता है अनेकों वर्षों का फलादेश। करीब 100 से 120 प्रश्नों की कुंडली से जाने अपना सही भविष्य। आओ चलें सुख की ओर, अपने परिवार मित्रों व सगे संबंधियों को दें एक खास तोहफा, शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका बनवाने हेतु संपर्क करें प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक, 09268319743, 08130948709, 09582248029, 08587924072। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है 10 बजे से शाम 6 बजे तक। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों अगर आप भी शर्मा जी से जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान उनसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं
नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, पर यहाँ पर वो दर्शक भी निराश ना हो जो शर्मा जी का मार्गदर्शन तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन मुलाकात के लिए दिल्ली नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं हम मुलाकात के लिए नहीं आ पाते, या फिर दिल्ली में रहते हुए भी हम मुलाकात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यानी जब आप कॉल अपॉइंटमेंट संस्थान से लेते हैं, एक तय समय आपको दिया जाता है, उस तय समय पर शर्मा जी से आपकी पूरी बातचीत हो जाती है। मन में जितने भी सवाल हों, जितनी भी जिज्ञासाएँ हों, वो सब आप शर्मा जी के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट की जरूरत होगी। आइए अब विषय पर चर्चा करेंगे। शर्मा जी, हम विवाह करते तो हैं लेकिन उसके बावजूद भी कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें विवाह टिक नहीं पाता है, यानी कि डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, जिस पर हम ब्रेक में जाने से पहले आपने बहुत सारी बातें बताई, और वो कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से तलाक की नौबत आ जाती है? देखिएगा, सबसे पहले तो जब भी किसी रिश्ते को जोड़ा जाता है, उस रिश्ते की शुरुआत में ही उसके लक्षण कई बार नज़र आ जाते हैं। कई बार रिश्ता जुड़ते जुड़ते ही बहुत परिवारों में तनातनी तनाव देखा जाता और वो तनाव लास्ट तक जाता ही नहीं है। इसलिए जब भी रिश्ता किया जाए तो हम जन्म पत्रिका को तो दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन हम अपने रिश्तेदार से जब जुड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं बेटी का या बेटे का, तो वहाँ मधुरता कैसी है, उस चीज़ को भी हम अपने आप जानने का प्रयास करें। दो परिवार जब आपस में जुड़ जाते हैं तो जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता बन जाता है। कौन कन्या चाहती है कि अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद उसका रिश्ता टूट जाए, और कोई पुरुष भी नहीं चाहता कि जिस कन्या को वो अपने घर वधू रूप में लेकर के आया है, लक्ष्मी रूप में लेकर के आया है, वो लक्ष्मी वापस उसके घर से चली जाए, चाहता कोई नहीं है। लेकिन कई बार समय की विडंबनाएँ ऐसी हो जाती हैं, वक्त ऐसी करवट ले लेता है कि ऐसा होने पर हम मजबूर हो जाते हैं। कई बार तो सोच समझ करके प्लानिंग बन जाती है कि अब हम तलाक ही लेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, वही वाली बात याद रखें कि जुड़े तो फिर गांठ पड़ जाए। प्रयास करना चाहिए कि ये रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं। रिश्तों को बनाने में ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन एक बात पर रिश्ता मिनट में सेकेंड में खंडित हो जाता है। आइए, वैसे तो बहुत सारे आपकी हथेली में योग होते हैं, बहुत योग होते हैं। अब अगर कहीं कोई रिश्ता किसी का किसी वजह से टूटने की कगार पर है, लड़की का मन है, वधू का मन है कि मैं इसी परिवार में रहूं, और लड़के का भी मन है कि भाई ये रिश्ता ना टूटे, तो वहाँ हम ऐसे में क्या करें? ऐसे में हमें 11 बृहस्पतिवार विष्णु सहस्र नाम का पाठ बहुत मन लगा करके करना चाहिए। बहुत मन लगा करके विष्णु सहस्र नाम का पाठ हमें करना चाहिए। मेरे गोविंद का बहुत प्यारा मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का सिद्ध मंत्र है, जिसको आज की ध्यानमाला में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पुनः सुन लें। भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः इस मंत्र की पुनरावृत्ति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को अगर कोई भी महिला या पुरुष मन से पढ़े तो उसके परिवार के क्लेश दूर होते हैं, उसके परिवार में सुख शांति व्याप्त हो जाती है। आप अपने घर में वास्तु का भी ध्यान रखें, आपके घर में जिस रूम में आप सोते हैं खास तौर से उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखें। कोने में ना आप सोएं, आप एल शेप के भवन को जल्द से जल्द चेंज करने का प्रयास करें। आप जहाँ पर सोते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के संसाधन बिल्कुल आपके आजू बाजू में नहीं होने चाहिए। बहुत बड़ा सा मिरर, बहुत बड़ा सा कांच आपके सर के पीछे या पैरों की तरफ, पाँव की तरफ आपके रूम में नहीं होना चाहिए। अगर रिश्तों में आपको दरार नज़र आती है तो ये सारी चीज़ें फिर अशुभता, अशुभ फल देने लगती हैं। दर्शकों, जब भी हम घर में रहते हैं, पति पत्नी के बीच में यदि मनमुटाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो शहद ले लें, थोड़ा सा शहद की डिब्बी ले लें, और उस शहद में लाल भोजपत्र के ऊपर लाल शाही से पति पत्नी दोनों का नाम लिख करके शहद में डुबो दें, कार को अच्छे से बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में मधुरता आती है। पूर्णिमा के दिन एक सुंदर सी सीपी लेकर के पति पत्नी दोनों का नाम भोजपत्र के ऊपर लिख करके, दो सीपी लेकर के सीपी के बीच में थोड़ा सा गुड़, एक गुलाब का फूल और पति पत्नी का नाम, सीपी को लाल डोरे से बांध दें, पूर्णिमा की रात्रि में जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से भी पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता।
जुड़ जाता। ऐसी संभावनाएं जो टूटने की कगार पर चली जाती हैं वो संभावनाएं दूर हो जाती हैं। मित्रों, रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन रिश्तों को जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। आपकी हथेली में और भी तलाक के बहुत बड़े सूचक होते हैं। आपका तलाक क्यों होता है चंद लफ्ज़ों में जन्म पत्रिका के माध्यम से भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है आज की ध्यानमाला का। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान श्री कृष्ण जी से। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीव्रज्ञानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आदव देव की देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम मायापूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसाछेदन कवरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतम कृष्ण लीला अमृतम। ओम यम ब्रह्मा वरुणे इंद्र रुद्र मरुतय इस्त्वने दिव्य इस्त्वय वेद सांग पद कर्मोपनिषदैर गायंती यम सामगा ध्याना वस्तीत तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च धर्मिणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। ओम कृष्णाय नमः। आइए कम समय में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आपकी जन्म पत्रिका का सप्तम भाव यदि अशुद्ध है, आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में सूर्य मंगल इकट्ठे बैठे हों या सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हों या राहु की शुद्ध दृष्टि सप्तम भाव पर ना हो या राहु केतु की जमाबंदी वहाँ पर हो, यानी कि केतु सप्तम में हो और राहु लगन में हो या राहु सप्तम में हो और केतु लगन में हो, क्योंकि हमेशा सातवें भाव में राहु और केतु आपस में ऐसी संधि करते हैं। दूसरी बात, राहु के संग मंगल विराजमान हो जाए सप्तम भाव में तो रिश्ता खंडित होने के बहुत डर रहते हैं, और ऊपर से वर का या वधु का पंचम भाव बहुत कमजोर हो तो भी हमने देखा है कि ऐसे योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसलिए दर्शकों, आज हमने जो उपाय बताए इसमें से जो आपको अच्छे लगे हों आप ज़रूर कीजिएगा। टूटते हुए रिश्तों को हमें बचाना चाहिए, बिखरने से बचाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का जाते जाते पुनः मंत्र पढ़ देता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को ज़रूर पढ़ा करें, इससे भी रिश्तों में मधुरता आती है, घर के क्लेश दूर हो जाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, कभी भी अपने रिश्ते की डोर को कमजोर ना होने दें। अगर मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, तो आप अलग होने की बजाय अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करें कि किस तरीके से आप अपने रिश्ते की डोर को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। खैर, समय इशारा कर है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। बहुत सरल सहज उपाय बताए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों, परेशानी चाहे कैसी भी हो, रिश्तों में मधुरता नहीं है, रिश्ते टूटने की कगार पर आ रहे हैं, या फिर आपके जीवन की कोई और परेशानी है, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, या कैसी भी आपके जीवन की परेशानी हो, हर एक परेशानी का समाधान मुमकिन है। बस ज़रूरत मार्गदर्शन की होती है। और अगर इसके लिए आप शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में इन पर संपर्क साधकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल चलने की दीजिए इजाजत।
नमस्कार। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो इनसे मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 09811145934। आप शर्मा जी के अनेकों कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। टाइप करें PROF धर्मेंद्र शर्मा।